अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमारे पास इस वक्त गैस कंप्रेसर है जो इस वक्त काम नहीं कर रहा, मतलब कि यहाँ से ये गैस आउट नहीं दे रहा, प्रेशर नहीं बना रहा गैस का। आज की वीडियो में हम इसे रिपेयर करना सीखेंगे। इसकी ये दो साइडों पे बोकियाँ होती हैं, जब हम इसे चलाते हैं तो इसके अंदर एक मैग्नेट का पिस्टन चलता है, एक इधर बोकी होती है और एक इधर बोकी होती है। इन बोकियों की मदद से ये प्रेशर बनाता है और यहाँ से गैस को आउट कर देता है। तो हम इसको एक साइड से पहले खोल लेते हैं। ये हमने इसे बाहर निकाल लिया। ये इसका एक जैन होता है, जल्दी ख़राब नहीं होता, अगर हो भी जाए तो इसके साथ का हमें नया मार्केट से मिल जाता है। ये 20 रुपये में पेयर मिल जाता है, मतलब दो पीस मिल जाते हैं दोनों साइड्स के। फ्रेंड्स, इसकी ये वाली बोकी होती है जो प्रेशर बनाती है, और अगर ये कंप्रेसर प्रेशर नहीं बना रहा तो इसको सिंपल एक पेच की मदद से हम खोल लेंगे। ये इसकी प्लास्टिक की एडजस्टमेंट है, ऊपर टिक्की है, इसी तरह हम इसे वापस लगाएंगे और इस जगह से इसकी इस बोकी को हम बाहर निकाल रहे हैं। फ्रेंड्स, जब भी ये ख़राब होगा, इसकी ये वाली बोकी आपने गौर से देखनी है, ये कहीं ना कहीं से लीक होगी तो ये प्रेशर बनाना छोड़ देता है। तो आपने इसकी इस बोकी को चेक कर लेना है, और इसके साथ की हमें ये मार्केट से नई बोकियों का पेयर मिल जाएगा। ये 50 रुपये में दो बोकियाँ मिलती हैं इस तरह की। बहुत कम चांसेस होते हैं इसके मैग्नेट के ख़राब होने के, मैं आपको वो भी खोल के दिखा देता हूँ। आमतौर पर जब ये ख़राब हो जाता है तो हम मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, लेकिन ये 2 मिनट का काम होता है और ये हम घर में ही ठीक कर सकते हैं। ये दूसरी वाली बोकी भी बाहर आ गई, इसको भी हमने देख लेना है, अगर ये कहीं से लीक है तो हमने इसे चेंज कर देना है। मोस्टली यही ख़राब होती हैं, और ये 50 रुपये में हम इसे चेंज कर दें तो ये ठीक हो जाता है। अब मैं इसका आपको मैग्नेट निकाल के दिखाता हूँ। ये हमने बाहर निकाल लेना है यहाँ से, इस जगह से, इसी तरह इधर से भी निकाल लेंगे, और ये हमने मैग्नेट को बाहर निकाल लिया। बहुत कम चांसेस होते हैं इस मैग्नेट के ख़राब होने के। आपका चूल्हा बंद हो जाए और ये लंबे अरसे तक चलता रह जाए तब जाके ये फॉल्ट आते हैं। ये 100 रुपीज़ का आता है और ये बोकियाँ 50 रुपये की बस। ये इसकी जो एडजस्टमेंट है, ये इसी तरह इस जगह पे इस तरह ऐसे बैठ जाएगी। ये आप इसके कट देख रहे हैं। ये जो इसकी बहुत सी नॉलेज नहीं रखता वो भी घर में इसे रिपेयर कर सकता है। ये हम इसमें एक साइड से ऐसे ही डाल दिया, दूसरी साइड से भी हम इसकी वही एडजस्टमेंट लगा देंगे। उसके बाद इसका एक ये कट होता है, इस कट को या आप ऊपर की तरफ रख लें या नीचे की तरफ रख लें, किसी तरफ भी रख लेंगे तो कोई इशू नहीं है। हम इसे इसके अंदर फिक्स करेंगे, इसके अंदर प्रेस कर देंगे। यहाँ इसकी कॉलर बनी हुई है, कॉलर के अंदर इसे प्रेस कर देंगे, ये एयर टाइट हो जाएगा। दूसरी साइड का लगाने से पहले हम इसे पहले बंद कर लेंगे एक साइड से। ये एक साइड हमारी कंप्लीट हो गई, इसी तरह ही हम इधर दूसरी साइड पे आ जाएंगे। पहले इसकी ये एडजस्टमेंट लगाएंगे और फिर ये वाले होल के अंदर इसकी ये एडजस्टमेंट लगा के तो इसको इसमें इसकी कॉलर में उसी तरह फिट कर देंगे। इधर से भी एयर टाइट हो गया, इसके भी ये 3 पॉइंट बने हुए हैं, इन 3 पॉइंट्स के ऊपर हम इसे फिट करेंगे। ये जहाँ पे यहाँ रख के घुमाएंगे, जहाँ पे वो बैठ जाएगा वहाँ उसको पेच लगाएंगे। इसके ये पाइप भी मिल जाते हैं इस तरह, इसके अंदर स्प्रिंग होता है ताकि ये बेंड ना हो जाए। और इसी तरह वॉल्यूम काम करना छोड़ गया है तो ये 100 रुपीज़ की इसकी ये किट भी नहीं आ जाती है। इसे खोल के तो ये हम किट भी चेंज कर सकते हैं। इसकी रिपेयरिंग बहुत ही ईजी है, दोबारा फिट कर देंगे इसके कवर, इसकी ऑटोमेटिकली फिटिंग बैठ जाएगी। ये मॉडल बहुत ही अच्छा है, इसका रिव्यू मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। TX2000G ओरिजिनल मार्केट से नहीं मिले तो आप हमसे भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इसके प्राइस मेंशन कर दूंगा। कैश ऑन डिलीवरी पे आप इसे अपने घर में बैठे भी मंगवा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में इसकी कॉपीज भी आई हुई हैं। ये अपनी जगह पर ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा, बस आपने ध्यान रखना है कि इसका जैन अपनी जगह पर बैठा हो। इनके पेच आपने ना तो बहुत ज़्यादा कस देने हैं और ना इन्हें ढीला छोड़ना है। इनके पाइप्स फिर इनकी जगह पे लगा देंगे।
फिटिंग हो गई इसकी। अब हम इसे चलाकर देखेंगे, ये ऑन हो गया, इसकी स्पीड तो तेज़ हो गई है, कम हो गई। हमने इसे सिर्फ 50 रुपये में ठीक कर लिया हुआ है। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों में शेयर लाजमी कीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।